हेलो दोस्तों, विश्वकर्मा जी टेक्निकल में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम इस चार्जर को रिपेयर करेंगे। और दोस्तों जो कस्टमर हमारे पास जो ये चार्जर लाया है, और इस दोस्तों चार्जर को कस्टमर ने पटक दिया है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये वायर जो हमारा था ये भी अलग हो चुका है चार्जर से हमारे। और दोस्तों ये जो हमारा है ये भी अलग निकल चुका है। तो दोस्तों ऐसे ही हमको कस्टमर दिया और बोला कि इसको रिपेयर कर दो। दोस्तों हम इसको रिपेयर करेंगे। और सबसे पहले तो दोस्तों इसको जो हमारा बोर्ड है इसको दोस्तों आप चेक करेंगे कि हमारा सही है कि नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम एसी बोल्ट दे करके देखेंगे कि जो हमारा काम करता है कि नहीं। पहले एसी बोल्ट इनपुट होगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक रजिस्टर दोस्तों लगा है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं दोस्तों एसी वोल्ट दे करके कि जो हमारा सर्किट है पहले ओके है कि नहीं। इसके बाद दोस्तों जो हमारा केबल है इस केबल को हम बदल देंगे। दोस्तों इसके बदले में हम दूसरा लगाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको चेक करते हैं सीरीज तार की मदद से। तो दोस्तों आप जब भी चेक करें तो सीरीज बोर्ड से ही चेक करें। दोस्तों सीरीज बोर्ड से चेक करने से यह फ़ायदा होता है कि हमारा जो शॉर्ट सर्किट जब होता है दोस्तों तो सीरीज बोर्ड से हमको पता चल जाता है। तो दोस्तों हम सीरीज बोर्ड लेते हैं और इसको प्लग को लगाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा ग्रीन वाला बल्ब है दोस्तों वो ग्लो कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा बोर्ड तो सही है। अब इसके बाद दोस्तों इसका जो वायर है आप देख सकते हैं कि ये कटा पटा है दोस्तों। तो ये हमारा वायर कट चुका है। और दोस्तों क्या करेंगे कि वायर को ही हम चेंज कर देंगे। तो इसके बदले में दोस्तों हम दूसरा वायर लगाएंगे। तो मेरे पास दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये वाला दूसरा वायर है, 2-in-1 है। तो दोस्तों इसको कहाँ पर लगाना है आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये आउटपुट था 5 वोल्ट का, यह दोस्तों यहाँ से हमारा टूट गया वायर। तो दोस्तों इसके बदले में हम इस वायर को लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हम जल्दी से दोस्तों वायर को पहले लगा लेते हैं। तो दोस्तों आप शोल्डर के साथ ऐसे इसको दोस्तों लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों इस वायर को हम निकालते हैं। और जो हमारा रेड वाला था इसको भी हम दोस्तों निकाल देंगे। तो ये हमारा निकल चुका है। अब दोस्तों इसको कैसे ज्वाइंट करना है आपको बताते हैं। दोस्तों जो हमारा रेड वाला है आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको ध्यान से दिखाते हैं। तो दोस्तों ये वाला हमारा रेड है और दोस्तों ये ब्लैक है। तो दोस्तों इसी में हम दोस्तों लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम लगाते हैं पहले। ये दोस्तों रेड वाले को हम रेड में कनेक्ट कर देंगे, पहले ब्लैक वाले को ब्लैक में लगा लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम लगा लेते हैं जो हमारा लग चुका है। अब इसको दोस्तों जो हमारा वायर था इसको थोड़ा हम छोटा कर देंगे। और दोस्तों इसको भी हम कनेक्ट करते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो इसका बॉडी था इसमें दोस्तों हम लगाएंगे इसको। तो चलिए दोस्तों जो हमारा घाट था इसको अच्छे तरह से आप दोस्तों बैठा लें। और दोस्तों इसके बाद आपको जो हमारा मेन लीड है इसको अच्छे से आप इसको अंदर लगा लें। और दोस्तों यही हमारा मेन है। अब इसको भी दोस्तों इसके ऊपर हम जो जो हमारा कवर था इसको भी हम लगा दिए। तो दोस्तों हमारा चार्जर बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम आपको इसको टेस्ट करके भी दिखाएंगे कि हमारा जो चार्जर है काम करता है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों इसको हम बोर्ड में लगाते हैं। दोस्तों ये मेरा बोर्ड है, अब इसको हम लगाते हैं और आपको चेक करके दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो मेरा ग्रीन कलर का बल्ब था वो जल रहा है। और यह कनेक्टर जो है काम करता है कि नहीं। तो ये मेरा देख सकते हैं, इसको मैंने दोस्तों अपने हाथों से बनाया हूँ। और दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया है। और इसमें चार्जिंग दोस्तों लगा कर आपको दिखाते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारा कनेक्टर इसको लगाते हैं।
तो आप देख सकते हैं हमारा जो चार्जिंग है दोस्तों बढ़िया से कर रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा ये बढ़िया से कनेक्ट हो रहा है। और दोस्तों जो चार्जर था हमारा वो बनकर कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों जो मेरा कबाड़ा चार्जर था वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा तैयार हो गया है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो दोस्तों, आप अच्छे रहें दोस्तों, खुश रहें।